ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद एक, अध्याय दो और श्लोक संख्या है आज 33 और 34। ये आखिरी श्लोक हैं इस अध्याय के, ध्यान से सुनिएगा। अस्वगुणमय भावे भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मभी सनिर्मितेषु निर्विष्टा भुंक्ते भूतेषु तत्गुणान्। भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा तीन गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। वह इच्छा करने वाला है और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। आशय यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतएव भगवान से अभिन्न हैं। भगवद गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुअविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा तीन गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं।
तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सर्वाधिक जो बुद्धिमान जीव कौन है, ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा से लेकर छोटी से छोटी चींटी तक ये 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और ये सब की सबके अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाएं है ना, जो स्थूल शरीर की इच्छाएं हैं उनके अनुसार क्या भौतिक संसार में भोग करती हैं। क्योंकि शरीर के बिना जीव भोग नहीं कर सकता। देखते हैं कि जिनको शरीर नहीं मिलता, अपने पापमय कर्मों के कारण जो लोग गलत काम करते हैं या समय से पहले आत्महत्या तक करते हैं, शास्त्र कहते हैं उनको अगला शरीर नहीं मिलता। उनको क्या करना पड़ता है, उनको जो सूक्ष्म मन है उसमें रहना पड़ता है, और प्रेत योनि कहते हैं उसको, उनको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। क्योंकि जब प्रेत योनि में होगा तो उसके पास स्थूल शरीर नहीं होता, और स्थूल शरीर साधन है भोगने का, भोग करने का। तो उसकी जो इच्छाएं होती हैं अपनी इच्छाओं के अनुसार वो भोग में लगता है। तो जो भौतिक स्थूल शरीर है वो सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है, और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। तो जैसी हमारी इच्छाएं होंगी वैसी ही हमारी इंद्रियां होंगी। जैसे जो जीव जिस तरह गलत कामों में लिप्त होता है, गलत कार्य में लगता है, शास्त्र कहते हैं कि जो ज़्यादा मांस भक्षण करता है, मांस खाता है, तो उसका लगाव किस तरफ है, मांस खाने की तरफ। तो उसकी जो ये मांस खाने की जो इच्छा है, जो उसका इस इच्छा के चलते उसको अगला जन्म क्या यहाँ बताया है कि उसकी भौतिक इच्छाओं के अनुसार उसका जो अगला शरीर निर्धारित होता है। फिर तो जब मांस खाने वाला प्राणी होगा तो उसको फिर, क्योंकि मनुष्य शरीर ऐसा है जो मांस खाने के लिए नहीं बना हुआ है, मनुष्य शरीर मांस खाने के लिए नहीं बना हुआ, साइंस के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो, शास्त्रों के अनुसार भी देखा जाए तो पर जब इंसान मांस खाने की इच्छा करता है, भोगने की इच्छा करता है, तो ये शरीर तो उसके लिए बना नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं कि अब तुम्हें मांस ही खाना है तो तुम्हें क्या करा जाएगा कि अगला शरीर ऐसा दिया जाएगा जो मांस खाने योग्य होगा। शेर, भालू, चीता, कुत्ता, बिल्ली, इन शरीरों में क्या है, उसको सुविधा मिल जाती है मांस खाने की। जैसी जो इच्छा रखेगा उसको वैसी ही अगला शरीर मिलता है उसको। तो यहाँ पर आगे है भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार भौतिक सुख प्राप्त करने में अक्षम है। हम चाहें भी तो भोग नहीं कर सकते, हम इच्छा कर सकते हैं, तो जब इच्छा करते हैं तो भगवान उस इच्छा को पूरी करते हैं। हालांकि कोई पिता नहीं चाहता कि उसकी औलाद गलत इच्छा करे, और गलत इच्छा करता भी है। जैसे अगर पिता से बेटा कहे मुझे शराब पीनी है, सिगरेट पीना है, तो इच्छा तो गलत है, पिता को चाहिए मना करे। पर आजकल के पिता पिला भी देते हैं, उनके साथ बैठ के पीते हैं। तो जब औलाद नहीं मानती, लगता है कि अब ये हाथ से निकल गई है, तो पिता फिर उसको कुछ बोलते हैं, उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पर भगवान ना चाहें तो हम अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकते, भगवान सहायता करते हैं इसमें। जैसे अगर हम भोग करते हैं, इच्छा करते हैं, कुछ खाते हैं, तो भगवान ना चाहें तो हम अन्न को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं क्या हूँ, हृदय में जब हम कुछ खाते पीते हैं तो जो पेट में जठराग्नि है, आग है, वो ही हमारी अगर मंद हो तो हम खाना खा के पचा नहीं सकते, खाया तो निकाल देंगे, उसको हम पचा नहीं पाएंगे। तो पचाने की शक्ति कौन है, वो भगवान है। हम देख पा रहे हैं तो देखने की शक्ति कहाँ से, भगवान से है। हम अंधेरे में कभी नहीं देख सकते, है ना, हमें प्रकाश चाहिए देखने के लिए। हम सूर्य के प्रकाश में देख पाते हैं,
तो हम कुछ देखना चाहते हैं तो उसमें भी भगवान सहायता करते हैं, सुनना चाहते हैं उसमें भी सहायता करते हैं, कुछ खाते हैं भोग करते हैं भगवान उसमें भी सहायता करते हैं हमारी। तो आशय यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, सारे जीव भगवान के अंश हैं। भगवान गीता में कहते हैं मव एव अंशो जीव लोक के जीव भूता सनातना, मव एव अंशो ये सारे मेरे अंश हैं भगवान कहते हैं। और क्या भगवान से अभिन्न भी हैं। और भगवान गीता में जीवों को कहते हैं ये सारे मेरे पुत्र हैं, अहम बीज पदा पिता, मैं सबका पिता हूं। तो लक्ष्य यह है इस श्लोक में हम समझ सकते हैं कि इच्छाएं हैं सारी ना, जब तक हम इच्छाएं करेंगे, इच्छाएं करेंगे तो भोग की तरफ हमारा नेचुरल हमारा जो होगा जो स्वभाव होगा उसकी तरफ उन्मुख होगा। तो इच्छाएं किस तरह की होनी चाहिए हमारी? इच्छाएं भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए। हम पढ़ते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवन सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, कि भक्ति का जो अर्थ है वो क्या है, समस्त जितनी भी इंद्रियां हैं उनके स्वामी कौन है, भगवान है। उन भगवान की सेवा करना हमारा जो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, या अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाना चाहिए। और जब जीव क्या है अपनी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाता है तो क्या होता है, मनुष्य क्या सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। जब भौतिक इच्छा ही नहीं रहेगी आपकी, इच्छा है तो शरीर है ना, हम भोगनी इच्छाएं करते हैं तो इंद्रियां प्राप्त होती हैं हमारी, सारा का सारा खेल इच्छाओं का होता है। तो जब हम इन इच्छाओं को इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो होता क्या है, मनुष्य सारी भौतिक जो उपाधियां हैं उनसे मुक्त हो जाता है। और ये तभी होगा जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, सिर्फ तभी हो सकता है, हमारी इच्छा शुद्ध हो जाती तुरंत, सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है। देखते हैं हम इच्छा शुद्ध कैसे होती है, इंद्रिय शुद्ध कैसे होती हैं। श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं ध्रुव महाराज के बारे में। ध्रुव महाराज हालांकि शुद्ध भक्त नहीं थे ना, सकाम भक्त थे, एक इच्छा को लेके भगवान की भक्ति करी उन्होंने, पर जब भगवान का साक्षात्कार करने के बाद उनकी इंद्रियां शुद्ध हो गई। तो अगर सकाम कर्मी भी है, हम शुद्ध भक्त भी नहीं है, पर हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते हैं तो होता क्या है, हमारी इंद्रियां स्वतः ही शुद्ध हो जाती हैं, हमारी इच्छाएं खुद शुद्ध हो जाती हैं। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है, है ना। तो अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने का तरीका होता है भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना, है ना। भगवान की सेवा में अपने आप को लगाओगे तो तब जाके शुद्ध होंगे हम। और सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, है ना, इस श्लोक में शब्द एक है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से हमें मुक्त होना है। ये सो कॉल्ड हम अपने आप को, मैं मेरी ये पोजीशन है, मेरा ये पद है, मैं ये हूँ, जब तक हम इनमें रहेंगे हम क्या है, दुख भोगते रहेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना अहम विप्रो ना च नरपति वैश्यो न शूद्रो, कहते हैं कि ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना ही शूद्र हूँ, और ना अहम वर्णी है, मैं चार वर्णों में भी नहीं हूँ, कौन, ब्रह्मचारी ग्रस्त बानप्रस्थ सन्यासी, ना हम वर्णी ना च गृहपति नु बानप्रस्थ, कहते हैं यतिरुवा। तो ना मैं क्या हूँ, वर्णी हूँ, यानी मैं ना ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थी हूँ, ना बानप्रस्थ हूँ, और ना क्या यति, यति किसे कहते हैं, सन्यासी को, ना यतिरुवा ना सन्यासी हूँ भगवान कहते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस भाव से करेंगे मतलब हमें इन उपाधियों से मुक्त होना है ना, अपने आप को, हमारी एक ही उपाधि है वो क्या है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, हमारी एक ही पहचान है, हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए भगवान की सेवा करना बस। नेक्टर डिवोशन में कहा गया है
अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम शीलनम भक्तिरुत्तम। तो मनुष्य को चाहिए कि जो भगवान कृष्ण हैं उनकी जो दिव्य प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाए। किस तरह? कि बिना किसी सकाम कर्म के, बिना किसी मनोधर्म के। मनोधर्म कहते कैसे हैं? मनोधर्म कहते हैं अपने मन के द्वारा जो हमें अच्छा लगता है वो करना, सकाम कर्मों से मुक्त होना, मनोधर्म से मुक्त होना, और भौतिक जो लाभ की इच्छा है उससे रहित होना। जब हम इनसे मुक्त होते हैं उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। शुद्ध भक्ति ये है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। सकाम कर्म, मनोधर्म, भौतिक लाभ की इच्छा से मुक्त होना यही शुद्ध भक्ति है। और जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होंगे हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को समझ भी नहीं सकते। और इसलिए जो आज समाज में अशांति क्यों है, हर कोई अपनी इन्हीं इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा हुआ है ना। जिसको देखो भोग में लगा हुआ है, सुबह से शाम तक इंसान भागता किसके लिए? सिर्फ इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, इंद्रियों का भरण पोषण करने के लिए, इच्छाओं को पूरी करने के लिए। सुबह से शाम तक इंसान इन्हीं के पीछे भागता है, पूरी दुनिया आज इसी पे केंद्रित है। इसलिए चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में कहा गया है 19.149 में, कहते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त क्या होते हैं? निष्काम होते हैं, इसलिए शांत होते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। जो भुक्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, सिद्धियां चाहते हैं, जो कामनाएं अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, वो हमेशा अशांत रहते हैं, हमेशा अशांत, वो कभी शांत नहीं हो सकते। इसलिए हमें क्या करना है? अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। और जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे। और जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए भगवान की सेवा करना। और भगवान कितने कृपालु हैं, क्या कहा यहाँ पे? भगवान कहते हैं अब आगे कि पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं। औलाद को दुख होता है। एक छोटा सा उदाहरण, अगर औलाद को कांटा लगता है तो दुख तो पिता को भी होता है। और औलाद बीमार है, माना किसी को बीमार है इंसान, तो और बेटा बीमार है, औलाद बीमार है, तो पिता को भी दुख है। हालांकि बुखार 103 मान लिया बेटे को है, जो दो दुख जो उसको अनुभव हो रहा है बेटे को, बुखार उनको नहीं है पर अनुभव वो भी कर रहे हैं। यही भगवान है। भगवान देखते हैं कि मेरे जो औलाद हैं, मेरे पुत्र हैं, अहम बीज पिता पिता कहते हैं, सब मेरे पुत्र हैं। भगवान कहते हैं सारी योनियों के पुत्र हैं, इंसान के ही नहीं। का इंसान क्या है, इतना दुष्ट है, औरों को क्या करता है, उनके ऊपर प्रहार करता है, जीवों को मार के खा जाता है इंसान। तो भगवान खुश होते हैं क्या? एक जीव दूसरे जीव को मार के खा रहा है, माना एक बाप के दो बेटे, एक बेटा दूसरे बेटे को काट के खा रहा है, तो भगवान कैसे खुश हो सकते हैं इसके ऊपर? और फिर ऊपर से बलि देते हैं। और सोचो एक बाप के सामने एक बेटा दूसरे बेटे की गर्दन काट के बाप को आगे रख दे कि मैं आपको खुश करने के लिए कर रहा हूं। ये है आसुरी बुद्धि। शास्त्र पशु बलि को बढ़ावा नहीं देते, मना करते हैं, मांस खाना गलत है। कितने दुष्ट हैं इंसान, एक दूसरे को काट के खा रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं? इतने दयालु हैं कि वे ना जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं, हमेशा भगवान साथ देते हैं। हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं परमात्मा रूप में, पर हम तब भी नहीं सुन पाते उनकी। तो भगवान क्या करते हैं? अपने शास्त्र हमें देते हैं, शास्त्रों से हम सीखें। इसलिए कहते हैं चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में कहा गया है माया मुग्ध जीवेर नाहि स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया मुग्ध जीवेर, जो माया के मुक्त, माया के वशीभूत जीव हैं, उन्हें के ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, उनको अपने आप ज्ञान नहीं हो सकता। हम चाहें भक्ति करें, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। हमें गाइडेंस चाहिए शास्त्रों के माध्यम से, हम अच्छा क्या है बुरा क्या है हमें ही जानना है। तो कृष्ण क्या करते हैं? जीवेर कृपाए, जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान क्या करते हैं? कैला कृष्ण वेद पुराण,
भगवान क्या है वेद पुराण को देते हैं, ताकि जीव जो है हम जैसे मंद बुद्धि जीव क्या है इन शास्त्रों का सहारा लें, इन शास्त्रों को पढ़ें, है ना, इनके अनुसार जीवन यापन करें और भगवान के धाम वापस जाएं। ये भगवान की कृपा है बहुत बड़ी कि ये अपने शास्त्र हमें देते हैं, गीता भागवत, खुद गीता के कहते हैं भगवान, किस लिए कहते हैं हम जैसे जीवों के लिए, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। कितने कृपालु भगवान, हम लोगों के लिए आते हैं भगवान और किसी के लिए नहीं आते, ताकि हम यहाँ से जा सकें। तो अगला श्लोक है इसमें, अगले श्लोक में कहते हैं अनुवाद, इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं मनुष्यों तथा निमन पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। किसके? जो शुद्ध सत्वगुण में रहते हैं, तीन गुणों में नहीं, हमें तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण से बाहर निकलना है। तो भगवान जो शुद्ध सत्व गुण में रहते हैं उनके उद्धार के लिए लीलाएं करते हैं, क्योंकि शुद्ध सत्व गुण में ही इन लीलाओं को कोई समझ सकता है, तीन गुणों में रह के नहीं समझ सकता। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत हैं। आज सुबह यही चर्चा चल रही थी कि अनंत ब्रह्मांड है भगवान के द्वारा निकले हुए, और इन ब्रह्मांडों में अनंत क्या है, असंख्य ग्रह हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर कितने ग्रह हैं, सूर्य चंद्रमा ध्रुव कितने ग्रह हैं सारे, उसके अंदर पृथ्वी भी ग्रह है एक। तो इन असंख्य ब्रह्मांडों में क्या है, विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। भगवती कहते हैं, हम कहते हैं कि बस धरती पे ही इंसान है, हम चंद्रमा में होके आ गए, चंद्रमा जाके किया क्या, मिट्टी लेके आ गए, तो मिट्टी के घर के पास में मिट्टी नहीं थी, लाखों अरबों खरबों रुपया जनता का बर्बाद किया किसके लिए, चंद्रमा से मिट्टी लाने के लिए। तो दो चार तसले भर के पड़ोस से मिट्टी मांग लेते, अरबों रुपया तो बचता कम से कम, फिर क्या निर्णय निकलता है, वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां जीव ही नहीं है, वहां कोई है ही नहीं, गए हो तब तो पता चलता है, शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो चंद्रमा पे कोई जा ही नहीं सकता, ये सब लोगों को झूठ बताया गया सर। इसकी काफ़ी इसका पर्दाफाश हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे इसमें काफ़ी आपको मिलेगी जानकारी कि चंद्रमा पर कोई गया ही नहीं है, ये लोगों को चीट किया गया बहुत सारा। तो भागवत कहता है कि इन जितने भी असंख्य ब्रह्मांड हैं उनमें क्या है, विभिन्न कोटि के जीव हैं, वहाँ भी जीव रहते हैं, कोई खाली ग्रह ब्रह्मांड नहीं है, है कोई खाली ग्रह नहीं है। और भगवान विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। भगवान इतने कृपालु हैं कि हर लोक में जाते हैं, अवतार लेते हैं वहाँ पे, और क्या करते हैं, उनके बीच में अपनी जो दिव्य लीलाएं हैं उनका प्रदर्शन करते हैं। क्यों करते हैं भगवान, वो इसलिए ताकि हम क्या करें, भगवान की इन लीलाओं को देखें, हैं उनमें रुचि, उनको देख के आकृष्ट हों। जब रुचि पैदा होगी हमारे अंदर तब तो भगवान के धाम जाने के लिए तैयार होंगे। इसलिए भगवान क्या करते हैं, जब धरती पे आते हैं लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं को देख के जो भक्त होते हैं बड़े आकृष्ट होते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है अक्सर कि जब कोई, अब देखो भगवान की लीलाओं को समझाने के लिए कोई है ही नहीं शब्द, तो एक भौतिक शब्द लेना पड़ता है केवल, हम हालांकि तुलना नहीं कर सकते इन चीज़ों से, भगवान की कुछ है ही नहीं कि ताकि हम इनको, इस ब्रह्मांड की चीज़ों को भगवान से हम संबंधित या उनके तुलना कर सकें। तो पर एक उदाहरण के लिए कह सकते हैं, जैसे ना एक नई फिल्म आती है तो उसमें जब उसका ट्रेलर पास होता है तो उसमें कुछ सिलेक्टेड सीन होते हैं फिल्म के, है ना, कुछ जो बढ़िया बढ़िया सीन होते हैं उसमें वो दिखाए जाते हैं, क्यों, ताकि और ट्रेलर इतना वो दिखाया जाता है, बार बार दिखाते हैं उसको, ताकि लोग इसको देखें और आकृष्ट हों इस मूवी को देखने के लिए कि हाँ मूवी बहुत अच्छी है। वैसे ही भगवान यहाँ आते हैं, अपनी एक कुछ एक लीलाएं करते हैं ताकि हम जैसे जो जीव है उन लीलाओं को देखें, उनको सुने और उनसे आकृष्ट हों, उनसे आकर्षित हों और इच्छा पैदा करें भगवान के धाम जाने की। तो भगवान का मकसद ये होता है। और जब भगवान अवतरित होते भी हैं यहाँ पे तो उनकी स्थिति बदलती नहीं, उनकी स्थिति जो थी वही बनी रहती है, पर देश काल समाज के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं और कभी क्या करते हैं, किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर
अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, जिनको शक्तिवेश अवतार कहते हैं। किंतु प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है, वो क्या है? भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापिस आ जाए। इस लक्ष्य से भगवान आते हैं, असुरों को मारने नहीं आते। भगवान का लक्ष्य असुरों को मारना नहीं होता, भगवान का लक्ष्य होता है इन लीलाओं को करके हम जैसे जीव आकृष्ट हों और भगवान के धाम जा सकें। ये लक्ष्य भगवान का है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, प्रकट हो रहे हैं। चैतन्य चरितमृत आधी लीला में कहा गया है, अध्याय 3 और प्रयाग संख्या 20 में कहते हैं, आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे, है ना, आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे। भगवान क्या करते हैं? भक्त का भाव अंगीकार करते हैं, भक्त का भाव स्वीकार करते हैं चैतन्य महाप्रभु। और क्यों? ताकि आपनी आचारी भक्ति सिखाइनु सवारे। भगवान भक्ति करके हम जीवों को सिखाते हैं, पूरे समाज को सिखाते हैं, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। प्रेममय भक्ति के द्वारा, ज्ञानमय नहीं। हमें ज्ञान, काम कर्म, मनोधर्म इन सब से ऊपर उठना है और प्रेम करना सीखना है भगवान से। तो भगवान प्रेम करना सिखाते हैं, क्योंकि जितने भी हैं हर कोई कोई ज्ञान के पीछे भाग रहा है, कोई सकाम कर्मों के पीछे भागा हुआ है, कोई योग की तरफ भाग रहा है, भगवान से प्रेम कोई नहीं करता। सोचो कोई, आप चाहोगे कि आपकी औलाद हो, वो आपके पाँव तो छुए नहीं, पाँव दबाए नहीं, हाँ बस आपका ध्यान करती रहे। अब बाप थका हार आए शाम को, बोले पानी पिला दो, देखो पिताश्री बात सुनो, मैं तो आपका ध्यान कर रहा हूँ, पानी पिलाना मेरा काम नहीं है। या कोई ज्ञानी हो, भगवान पिता पानी मांगे, दो चार श्लोक सुना दे, उनका गुणगान कर दे, गुणगान करने से पानी की प्यास नहीं बुझेगी, पानी पिलाने से प्यास बुझेगी। तो योगी क्या करते हैं? उनका ध्यान कर रहे हैं, और ज्ञानी क्या? उनका गुणगान कर रहे हैं, पर पानी कोई नहीं पिला रहा। भगवान को सेवा के द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं, और एक पुत्र जो पानी पिलाए वो डायरेक्ट सेवा है। तो भक्त क्या होता है? भगवान के पुत्र की तरह कार्य करता है, उनकी सेवा करता है डायरेक्ट। तो भगवान इसलिए अवतार ली चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु का अवतार का कारण यही था कि सारे लोग क्या कर रहे हैं, कोई ज्ञान मार्ग में लगा हुआ है, कोई ध्यान मार्ग में लगा हुआ है, उठ पटांग कामों में लगा हुआ है, कोई कर्मकांड में लगा पड़ा है, पर प्रेम कोई नहीं कर रहा, भक्ति कोई नहीं कर रहा है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं, और क्या करते हैं? भक्त भाव अंगीकारे, भक्त का भाव अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, ताकि क्या करें? सिखाइनु सवारे, भक्ति को सिखाने के लिए, सबको सिखाने के लिए भगवान ये भाव अंगीकार करते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि वो मुझे प्रेम करे, मुझसे लाड़ करे, भगवान ही चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो लोग बड़े बड़े ज्ञानी हैं, मंत्रा उच्चारण करते हैं, वेदों का श्लोक उच्चारण करते हैं, कहते हैं मैं उनसे इतना संतुष्ट नहीं होता, मैं उनके पास नहीं जाना चाहता, मैं जाता हूँ वो दो चार श्लोक सुना देते हैं, पर गोपियाँ मुझे गाली देती हैं, कहते हैं वो गोपियों की गाली जो है ना, उन विद्वान पंडितों के मंत्रा उच्चारण से कहीं गुना ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए देखो, आप देखते हैं वो यज्ञ करता ब्राह्मण भगवान को संतुष्ट नहीं कर सके, भगवान गए उनसे, है ना, भगवान ने अपने ग्वालों को भेजा, अपने सखाओं को भेजा कि जाके उनसे कहो, जो यज्ञ करने बैठे हैं ब्राह्मण उनसे कहो कि भगवान कृष्ण आए हैं, है ना, साथ में बलराम आए हैं दोनों, तो उन्होंने मांगा उनके खाने, उनसे खाने के लिए, तो उन्होंने नहीं दिया किसी ने भी। तो यज्ञ करता वो वेदांती भगवान को नहीं पहचान पाए, पर उनकी जो पत्नियाँ थीं, अनपढ़ गवार थीं, जब उन्होंने सुना भगवान आए हैं, कृष्ण आए हैं, तो पकवान के पकवान लेके चले। तो अनपढ़ इंसान भगवान को हासिल कर सकता है। जो हम सोचते हैं कि देखो हम तो श्लोक नहीं याद कर पाते हैं, हम अच्छा बोल नहीं पाते, हम अच्छा गा नहीं पाते, कोई बात नहीं है, महामंत्र जप तो सकते हैं ना, हमें हरे कृष्ण महामंत्र तो आता है, इतना आता यही काफ़ी है, हमें कोई ज्ञानी नहीं बनना है। हमारा लक्ष्य ज्ञानी बनना नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि प्रेमी भक्त कैसे बने, भगवान से प्रेम कैसे करें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए लाइफ का। तो
भगवान इसलिए लीला करते हैं ताकि जीव उनके पास वापिस आ सके। जीव जिस सुख के लिए, कहते हैं सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं वे असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों में कि किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है, है ना। हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए। सुनने में शब्द अच्छा है लगता है शांति, पर है ना शांति है कहाँ? ना घर में शांति है, ना ऑफिस में शांति है, ना समाज में शांति है, हर जगह अशांति। सुनने में अच्छा लगता है शांति, वो शांति है ही नहीं समाज में, वो शांति हो भी नहीं सकती। जैसे मछली धरती पे आके शांति ढूंढेगी तो शांति मिलेगी उसको? नहीं मिलेगी। उसको शांति मिलेगी पानी के अंदर। वैसे ही इस संसार में भगवान गीता में कहते हैं दुखाल्यम, इसको दुखाले कहा है, सुखाले नहीं कहा। अब सोचो कितने बड़े मूर्ख हैं हम जाएं सब्जी की दुकान में और कपड़ा मांगे उसे, हैं सब्जी की दुकान में चला जाएं और बोले कि दो चार मीटर कपड़ा फाड़ के देना, तो दर्जी की दुकान पे कपड़ा मिलेगा, है ना, कपड़े की दुकान पे कपड़ा मिलेगा, सब्जी की दुकान पे सब्जी ही मिलेगी। उसी तरह इस भौतिक संसार में सुख है ही नहीं। भगवान गीता में कहते हैं दुखाल्यम अशाश्वतम, ये दुखाल्य है और इस दुखाल्य में हम सुखाल्य ढूंढ रहे हैं। ये है सबसे बड़ी मूर्खता। क्या कहा यहाँ पे कि इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह, यहाँ नहीं, हम सोचे कि हिमाचल में या दिल्ली में सुख नहीं है तो शायद हम बाहर चले जाएं किसी दूसरे स्टेट में तो सुख मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आप इस स्टेट को छोड़ो, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे इंग्लैंड चले जाओ, कहीं चले जाओ, सुख वहाँ भी नहीं है। जो लोग कहते थे कि भारत में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा भारत में, आज वही लोग भारत में वापस लौट के आ रहे हैं। जब कुछ नहीं था तो क्यों आ रहे हैं? सब कुछ यही था, हम बाहर जा रहे हैं। जितने भी विदेशी लोग हैं मन की शांति के लिए हरिद्वार आते हैं, बद्रीनाथ आते हैं, भारत में आते हैं कि भारत में क्या है, उनको पता है कि यहाँ शांति मिल सकती है, यहाँ लोग जानते हैं शांति कैसे मिलती है। और हम कितने बुद्धिमान हैं, उस जगह को छोड़ के हम विदेश जा रहे हैं शांति ढूंढने के लिए। तो हम विदेश चले जाएं वहाँ शांति क्या? हम दुनिया के कोने कोने में घूमें वहाँ भी शांति नहीं है। इस दुनिया में क्या, दूसरे ग्रह में चले जाएं हम या दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएं वहाँ भी शांति नहीं है, क्योंकि शांति है ही नहीं। जितना भी ये ब्रह्मांड है, भौतिक संसार है, दुखाले है। किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। जो बद जीव है वो नहीं जानता भगवान सुख क्या है, शांति क्या है, उसको मालूम नहीं है ये बात। सुख शांति चाहिए तो हमें भगवान की भक्ति करनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है इस संसार में। भगवान गीता में बताते हैं अपने घर के बारे में, अगर आपको बाकी में सुख चाहिए, शांति चाहिए, यहाँ लाइट चली जाती है, तूफान आता है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, कितना दुख है यहाँ पे। भगवान गीता में कहते हैं 15वें अध्याय के 6 श्लोक में कहते हैं ना तद भास्ते सूर्य न शशांकु न पाव कहा, कहते हैं यद गतवा न निवृतंते तद धाम परमम, कहते हैं कि मेरे धाम में क्या, ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है, कुछ वहाँ पे है नहीं, क्योंकि इन चीज़ों की जरूरत ही वहाँ पे नहीं है। यहाँ सूर्य चाहिए, यहाँ चंद्रमा चाहिए, अभी गर्मी है तो पंखा चाहिए, सर्दी होगी तो हीटर चाहिए, यहाँ दुख है। पर भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, वहाँ कष्ट ही नहीं है, वहाँ आओगे तो क्या सुख मिलेगा। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, एक बार नहीं दो बार कहा भगवान ने गीता में, बार बार एहसास दिलाने के लिए कि हम यहाँ से निकलें, भगवान के धाम आए, भगवान भक्ति करने को कहते हैं। अपनी नवा अध्याय पढ़ते हैं, नवे अध्याय में भगवान गीता में कहते हैं मन मना मत भक्तो मध्य मन नमस्कारो, नवे अध्याय में कह दिया भगवान ने 34वें श्लोक में, फिर यही बात द्वारा फिर रिपीट कर दिया 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, वहां कहते मन मना मत भक्तो मध्य मन नमस्कारो, यही शब्द दो बार कहा। क्योंकि भगवान को हमारा शरीर नहीं चाहिए, इस शरीर में है क्या रखा हुआ है? सुबह उठते हैं गंदगी निकलती है, आंखों से गंदगी, मुंह से गंदगी, नाक से गंदगी, हर अंग से गंदगी निकलती है शरीर से। कभी देखा हम सुबह उठते हैं तो कोई सुगंध आती हो, बड़ी दिव्य खुशबू से शरीर से आती हो,
सबसे गंदा शरीर है ये, तो भगवान को शरीर नहीं चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, मन मना दो बार का, अपना मन मुझे दो। जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, अपना मन भगवान को देते हैं, क्योंकि मन ही है जो बंधन का कारण है, और ये मन ही है जो उस बंधन से मुक्ति दिला सकता है, तो भगवान मन को मांगते हैं। हम ये नहीं जानते कि भगवान का धाम कैसा है, इसलिए हम यह भोगना चाहते हैं। तो भगवान अपने धाम के बारे में बताते हैं गीता में। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, खुद प्रचार कर रहे हैं भगवान अपने बारे में कि मेरे धाम आओ, मेरी भक्ति करो। कुछ लोग पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्या ये भगवान कृष्ण क्या कहते रहते हैं, अपना गुणगान खुद ही करे जा रहे हैं, मैं भगवान हूं, अहम बीज पदा पिता। तो भगवान ऐसा क्यों कहते हैं, कहते ये तो अहंकार है ना, भगवान के अंदर घमंड है, अहंकार है, अपने बारे में बता रहे हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अब सोचो, कल आपका पिता बोले मैं तुम्हारा बाप हूं, तो ये अहंकार है, इसे घमंड कहते हैं। नहीं, आप किसी इंसान से पूछो, अगर कोई कंपनी में जॉब करता है, माना कोई मैनेजर है, उससे पूछो आप कौन है, वो कहता है मैं मैनेजर हूँ। नहीं, तुम तो घमंडी, तुम मैनेजर बता रहे हो अपने, वो है इसलिए बता रहा है। तो वैसे ही भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, मैं पिता हूँ, तो उसमें घमंड नहीं, वो तो सच्चाई बता रहे हैं, हमें एहसास दिला, हम भूले हुए हैं, तो हमें तो भगवान याद दिला रहे हैं इस बात की, तो हम नहीं जानते हैं, इसलिए बताने के लिए भगवान बार बार प्रकट होते हैं, या फिर क्या करते हैं, इष्ट पुत्र के रूप में अपना प्रमाणिक प्रतिनिधि बनकर आते हैं। ऐसे अवतार या इष्ट पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में ही नहीं करते, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। तो कई बार भगवान आते हैं, और कई बार क्या करते हैं, अपने किसी शुद्ध भक्त को भेजते हैं। हमारे जीवन में किसको भेजा, प्रभुपाद जी को भेजा, और प्रभुपाद जी ने अकेले ने ना पूरे ब्रह्मांड में ना पूरी धरती में तार दिया, धरती को मैं प्रचार कर दिया पूरे प्रभुपाद जी ने। तो शुद्ध भक्त कुछ भी कर सकता है, क्योंकि शक्त्यावेश ना शक्ति भगवान उनके अंदर आवेश कर देते हैं, तो वो भक्त वो काम कर सकता है जो भगवान कर सकते हैं। अगर आप प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ो, तो जितने काम प्रभुपाद जी ने किए हैं इन 11 सालों में, ना 11 साल प्रचार किया प्रभुपाद जी ने, सर 11 सालों में जितना काम करके चले गए प्रभुपाद जी, हम अपनी पूरी लाइफ में नहीं कर सकते। जितनी किताबें प्रभुपाद जी ने पढ़ी हैं ना, सॉरी लिखी हैं प्रभुपाद जी ने, और जितने लेक्चर प्रभुपाद जी ने दिए हैं, जितना कन्वर्सेशन है, लेटर्स हैं प्रभुपाद जी के, मॉर्निंग वॉक हैं प्रभुपाद जी के, अगर हम उनको डेली पढ़ना शुरू करें, डेली सुनना शुरू करें, हमारी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, हम नहीं कर पाएंगे, पर प्रभुपाद जी ने कर दिया। क्यों? शुद्ध भक्त कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो भगवान क्या करते हैं, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त को भेजते हैं, ताकि वो हमें भगवान की भक्ति के बारे में सिखाए, भक्ति के बारे में बताए, भगवान के बारे में बताए, भगवान के धाम के बारे में बताए, ताकि हमारे अंदर इच्छा पैदा हो भगवान को के बारे में जानने की, उनके बारे में सुनने की, उनसे प्रेम कर सकें, उनके नामों का उच्चारण कर सकें, उनके नाम का कीर्तन कर सकें। ये शुद्ध भक्त है ना, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्ति आके बताते हैं, तो ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, या खुद आते हैं, भक्तों को भेजते हैं। और ये क्या है, हर ब्रह्मांड में ये काम चलता रहता है। अब प्रभुपाद जी आए, चले गए प्रचार करके, अब किसी और ब्रह्मांड में होंगे, किसी और ग्रह में होंगे। तो शुद्ध भक्त ये लीलाएं उनकी, जैसे भगवान की लीलाएं अनंत हैं, लगातार चलती रहती हैं, वैसे शुद्ध भक्तों की लीलाएं भी चलती रहती हैं, और शुद्ध भक्त किसी न किसी ब्रह्मांड में जाके प्रचार करते रहते हैं। जैसे इस ब्रह्मांड में हम जैसे मूर्ख बैठे हैं, वैसे और कई ब्रह्मांड हैं जहाँ भी मूर्ख बैठे हैं, जो भगवान को भूले बैठे हैं। ये शुद्ध भक्त की कृपा है ना, और भगवान की कृपा है जो ऐसे शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। तो हमें इस श्लोक से, जो श्लोक हमने पढ़े हैं, तो इनसे यही सीखना है कि कैसे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। उनकी सेवा करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य हो। अन्य अभिलाषिता शून्य, जितनी भी अभिलाषा हैं अन्य, उनको शून्य करना हमें,
उनको भगवान की सेवा में लगाना है। शून्य का मतलब ये होता है कि ख़त्म नहीं होती, हम सोचें कि अभिलाषा ही हमारी ख़त्म हो जाएगी और ये भक्ति करने लगेंगे तो हम खाना पीना छोड़ देंगे, हम तो बहुत खाने पीने के शौकीन हैं तो ये सब खत्म हो जाएगा। मतलब अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगा दो, जो हम अपने लिए सोचते थे अब अपने लिए ना सोच के भगवान के लिए सोचना शुरू करते हैं, भगवान के लिए करना शुरू करते हैं। कपड़ा लाते हैं तो भक्त क्या होता है, कहीं आम इंसान बाहर जाता है तो ये लेके आता है, वो लेके आता है, इसको खरीदता है, उसको खरीदता है, नया कपड़ा मार्केट में आया है, नया जूता मार्केट में आया है, ये लेके आता है। और भक्त जहाँ भी जाता है वो ये देखता है, अच्छा ये नई चीज़ आई है, इसको ठाकुर जी के लिए लेना चाहिए, उनकी सेवा में लगाना चाहिए। जैसे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के खीर चोर गोपीनाथ रेमुणा, तो क्या देखा खीर बन रही है, तो उनके मन में इच्छा ही ऐसी खीर मुझे चाहिए, शायद खाने को थोड़ी सी मिल जाए, क्यों, ताकि ऐसी ही खीर मैं अपने गोपाल जी के लिए बनाऊं। तो ये भक्त का भाव होता है, हमें इस भाव को अंगीकार करना है। तो भक्त ऐसी लीलाएँ इसलिए करते हैं ताकि हम उनसे सीख ले सकें, है ना, उनका अनुसरण हमें करना है, यही भक्ति है। हरि कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भगवान की सेवा करिए, इसको करने से क्या होगा, स्वतः ही हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। शरीर शिथिल पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है ना खाने से, माना कि सुबह से आपने शाम तक कुछ खाया नहीं तो शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, तो उसके लिए कुछ अलग से करते हो क्या, नहीं, क्या करते हो, सिर्फ खाना खाते हो, खाना खाने से, मुँह में डालने से, पेट में डालने से अपने आप ही पूरा शरीर हमारा क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। वैसे ही हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जैसे ही लगाएंगे अपने आप ही शुद्ध होने लगती हैं, और कुछ भी नहीं करना है। कोई कहता है कि मेरा काम है, क्रोध है, ख़त्म हो ही नहीं रहे, कोई बात नहीं, आप महामंत्र का जप करते रहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप चलता रहेगा, ठाकुर जी की सेवा चलती रहेगी, ये अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे सारे, दूसरा कोई उपाय नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण।